जब जब हुआ है इश्क तो तकलीफ़ें उठाया गया है, और जब जब तकलीफ़ें उठाया गया है तो नया रिकॉर्ड बनाया गया है। इस बार इश्क होगी किससे? मैथमेटिक्स से। और तकलीफ़ें भी उठाया जाएगा लेकिन हर वक्त सॉल्यूशन निकाला जाएगा। इस बार आपके दिमाग में नहीं, दिल में फॉर्मूला बैठा देना है। यानी फॉर्मूला अगर कोई बोलेगा तो रॉकेट की तरह आंसर निकलेगा। वो याद नहीं रखना है क्योंकि वही चीज़ तुम भूलते हो जो तुम याद करते हो। बाबू आपको याद नहीं करना है, आपको यहाँ इसको यहाँ पे बैठाना है, रॉकेट की तरह आंसर निकलना चाहिए। ये आपको हम बता देंगे ऐसा, तब आपको पता चलेगा। जैसे ही कोई आपसे फॉर्मूला पूछे तो डायरेक्ट आंसर दो। कैसे, आखिरकार कैसे लीजेंड व्यक्ति कैसे सोचता है, आखिर टॉपर कैसे सोचता है, ध्यान से समझेगा इस फॉर्मूला को कैसे। बहुत सारा फॉर्मूला को एक चुटकियों में तुम बता दोगे। सबसे पहले त्रिकोणमिति के फॉर्मूला में छह नाम अगर याद हो गया तो आप तो समझ जाओ त्रिकोणमिति के मास्टर बन जाओगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इतना याद हो जाएगा। एक ग्रुप ये हो गया, तीन गो का एक ग्रुप साइन कॉस टेन, उसके बाद से तीन और ग्रुप कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। बस बस इतना तो याद आप कर लेंगे ना, इतना तो उतार लेंगे ना यहाँ पे। कैसे? साइन कॉस टेन, कॉस एक से कॉट। देखिए ऐसे ही फॉर्मूला अपने से तैयार हो जाएगा। ये दो ग्रुप का फॉर्मूला है, कितने ग्रुप में बांट दिया हम इस छह नाम को, दो ग्रुप में। अब इसको उठाइए और उठा के ले जाके यहाँ रख दीजिए, समझिए ध्यान। इसको उठा के ले जाके सामने रख दीजिए। जब ये तीनों को सामने ले जाके रखिएगा तो साइन के सामने आ जाएगा कॉसेक, क्या आ जाएगा? कॉसेक थीटा। सेक के सामने आ यहाँ पे कॉस के सामने आ जाएगा सेक थीटा, और टेन के सामने ये वाला आ जाएगा क्या? कॉट थीटा। इतना तो आप कर सकते हैं ना लाइन से लिख करके, और ये उठा के रख दिए। बीच में सिर्फ मल्टीप्लाई लगा दीजिए, और नहीं भी लगाएगा ना तो बीच में मल्टीप्लाई रहता ही है क्योंकि दो नंबर यहाँ पे टू और एक्स लिखे, कुछ नहीं है तो इसके बीच में मल्टीप्लाई छिपा रहता है, गुणा छिपा रहता है। हम क्या किए, तीनों को उठा के बीच में खाली गुणा लगा दिए, सिर्फ गुणा मल्टीप्लाई, तो इसका वैल्यू होता है वन वन वन। एक ग्रुप ये भी याद रखिएगा, इसको कहते हैं मल्टीप्लाई ग्रुप। क्या बोलते हैं इसे? मल्टीप्लाई ग्रुप, यानी मल्टीपल ग्रुप हो गया, मल्टीपल मल्टीपल ग्रुप। यानी गुणा वाला ग्रुप है ये, क्यों सर? याद रख लीजिए इसको गुणा वाला ग्रुप कहते हैं। एक आएगा स्क्वायर ग्रुप, ये गुणा वाला है और एक स्क्वायर ग्रुप है। एक और ट्रिक याद रखिए, मामला को सेट कर दो। जब भी कोई दिक्कत हो ना तो मामला को सेट कर दो। सेट से याद रखिएगा, से हो जाएगा सेक थीटा और टी से हो जाएगा टेन थीटा। ये गुणा वाला ग्रुप है, इधर हम लोग स्क्वायर ग्रुप देखते हैं, एस क्यू यू ए आर ई, स्क्वायर ग्रुप, ठीक है, याद रखिएगा स्क्वायर ग्रुप। कैसे निकलेगा? तो देखिए साइन और कॉस होता है स्क्वायर ग्रुप में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन। ये आपको फॉर्मूला एक दिमाग में रखना पड़ेगा। ये स्क्वायर वाला है, ये गुणा वाला था, ये स्क्वायर वाला, इसमें सब में स्क्वायर होगा, इसमें क्या होगा? सब में स्क्वायर होगा। ये दिमाग में बैठा लीजिए, ये आपको समझ में आया। लाइन से लिखे थे, तीन को उठा के यहाँ रख दिए, तब इसको हटा दे हम, ठीक है, और बीच में मल्टीप्लाई लगा दिए तो वन बन गया। अब ये फॉर्मूला आपको कोई पूछेगा ना कि कॉस के सामने क्या था, तो कॉस के सामने सेक था, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा वन होता है, कॉसेक, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा वन होता है। टेन और टेन यहाँ देखिए, तो इसमें बीच में मल्टीप्लाई था, इसका वन होता है। साइन और कॉसेक एक दूसरे का अपोजिट होता है और ये वन होता है। स्क्वायर ग्रुप में क्या होता है कि यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, इसको रट लीजिए, वी वी आई है, बहुत बार पूछा जाता है साइन स्क्वायर थीटा, बस थीटा चेंज कर देगा। तो कुछ भी करे अगर यहाँ थीटा सेम हो, जैसे कि दे देगा साइन स्क्वायर टू डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर टू डिग्री, तब ये क्या होगा? आखिरकार दोनों थीटा सेम है कि नहीं, तो साइन और कॉस मिला के वन हो जाएगा। लेकिन वही अगर यहाँ थ्री डिग्री लिख दे तब ये मन मत कीजिएगा क्योंकि डिग्री समान नहीं है, सेम दिखना चाहिए। थीटा क्या दिखना चाहिए? सेम दिखना चाहिए। अब ये स्क्वायर ग्रुप में बताए थे ट्रिक, याद रख लो, मामला को सेट कर दो। क्या कर दो? सेट कर दो। तो यहाँ पे हो जाएगा सेट करो जी, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब कहेगा कि यहाँ प्लस है माइनस है, तो पहला वाला प्लस होता है और दो गो माइनस में हो जाएगा, ट्रिक हम बता दे रहे हैं। अब यहाँ एक और छोटी सी बात है, किसी और फॉर्मूला में सेक होता है क्या, किसी और नाम में? तो यहाँ देखिए सेक एक तो एक यहाँ पे है और सेक एक यहाँ पे भी लिखा है, तो सेक का उल्टा यहाँ पे कॉसेक लिखिएगा, कॉसेक, जिसमें सेक होगा सेक वाला उल्टा। किसी में और टी होता है क्या? तो एक तो टेन में होता है टी, एक कॉट में भी टी होता है, तो माइनस देखिए यहाँ क्या लिखिएगा, कॉट स्क्वायर
थीटा बराबर में ये भी वन होता है। समझ में आया क्या करना है? ये अगर पहले भूल जा रहे हैं तो इसको मिटा ही दीजिए, ठीक है, मिटा दिए तो मामला को सेट कर दो। याद रखो फॉर्मूला क्या, मामला को सेट कर दो। और अगर आप मामला को सेट कर दीजिएगा ना तो फॉर्मूला बड़ी हिट हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ देखिए से हो जाएगा सेक थीटा माइनस टी से हो जाएगा टेन थीटा। अब हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं पता है कि और किसी में सेक आता है क्या? तो कौशिक में देखो ना सेक आ रहा है तो इसी के जात का था तो लिख दिए टी था, और किसी में टी आता है का तो यहाँ पे लिख दिए टी और बराबर में हो गया वन, ठीक है। अब बच गया साइन और कॉस, तो वो भी लिखे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। दो बार माइनस है ना, तो दो बार यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, इसके बदले एक ऊपर में प्लस होता है बराबर में वन, तो वही तो बात हम लिखे थे यहाँ पे, दोनों याद हुआ। ये हो गया मल्टीप्लाई ग्रुप, छः नाम लिखे थे, तीन को उठा के खाली सामने रख दिए, बीच में मल्टीप्लाई लगा दिए वन वाला, सब वन वाला हो गया, ठीक। उसके बाद से मामला को सेट किए तो से सेक टी से टेन माइनस लगा, वैसे ही कोई देखे कि वर्ड मिल रहा है सेक जैसा तो कोसेक में था, टी कहीं मिल रहा है तो कॉट में था, माइनस लगा दिए वन हो गया। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसको रट लीजिए वन होता है। अब इसी से तो फॉर्मूला बनता है, पहला वाला डायरेक्ट पूछेगा, देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर वन, ये तो पहला वाला हम उतार दिए, ये वाला। अब कहेगा यहाँ से साइन थीटा निकालिए, तो जिसका वैल्यू निकाला जाता है ना रट लीजिए, जिसका वैल्यू जो पूछेगा उसको वहीं पे रोक दो। जैसे साइन थीटा कोई पूछे क्या होगा तो इसको यहीं पे रोक दो, और इसके बाजू वाले को बराबर के उधर ढकेल दो। तो साइन थीटा आपसे अगर हम पूछ रहे हैं तो इसको यहीं पे रोको, इसको भेज दो इधर, यानी कि ये किस में है, मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा वन बटा कोसेक थीटा हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कोसेक थीटा बराबर क्या होगा तो इसको यहीं पे रोक दीजिए और इसको गुणा में है तो नीचे भेज दीजिए, यानी कि कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कोसेक को यहीं पे रोकिए, इसको मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड यानी बट्टा में हो जाएगा साइन थीटा। यानी कि एक फॉर्मूला से दो और फॉर्मूला बन सकता है। वैसे ही अगर यहाँ कॉस थीटा आपसे पूछेंगे, क्या पूछेंगे, कॉस, तो इसको यहीं पे रोको। देखो अगर जिसका वैल्यू पूछा जाए उसको वहीं पे रोक दिया जाता है, उसको बोलो कि तुम अलग खड़ा रहो तभी तो तुम्हारा वैल्यू पता चलेगा, तुम्हारी औकात क्या है, अब भीड़ में घुस के जा रहे तो तुमको कौन पहचानेगा। तो वैसे ही अगर डायरेक्ट कॉस पूछे तो कॉस को यहीं पे रोक दो, अब बाकी जो इसके बराबर के इधर है उस सब को उधर भेज दो ताकि अकेले बच जाए। तो जिसका वैल्यू निकाला जाता है उसको अकेले करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, अकेले करना पड़ता है। यहाँ देखिए तो ये भी आ जाएगा बट्टा में, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा वन बट्टा सेक। अगर सेक थीटा पूछे तो यहीं पे रोको, कॉस को नीचे भेजो तो हो जाएगा वन बट्टा कॉस, सेक थीटा बराबर वन बट्टा कॉस। तो ये आपको ऐसे लिख करके कमेंट में बताना है, ये दोनों का सेम टू सेम इसी रूप में लिख करके आपको बताना है। अब आते हैं हम लोग इधर, समझिएगा ये, याद रखिएगा। आपसे एक और चीज हम बता दे रहे हैं, पहले इसको बता, यहां से अगर हम आपको ये पूछे साइन थीटा बराबर, तो अभी बोले हैं जिसका वैल्यू निकालना होता है ना उसको यहीं पे रखो, तो साइन स्क्वायर थीटा पूछे तो ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी हम पूछे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है तो प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। लेकिन अगर पूछे सिर्फ साइन थीटा बराबर क्या होता है तो समझिएगा हम क्या पूछे हैं, साइन थीटा, देखो ध्यान से देखना इसको, सिर्फ हम पूछे हैं इतना साइन थीटा, स्क्वायर भी नहीं पूछे हैं साइन थीटा। तो पहले हम इसको हटाएंगे फिर स्क्वायर को हटाएंगे, तो पहले हम इसको प्लस में, इधर आ गया तो माइनस में है, स्क्वायर भी हटा दो क्योंकि हम खाली क्या पूछे हैं साइन थीटा, तो जब स्क्वायर इधर जाता है तो रूट का रूप ले लेता है तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ एक चीज याद करने वाली बातें क्या है, अब वो चीज यहाँ दिल में उतारना, कहां उतरना है दिल में, यहां साइन थीटा बराबर वन बट्टा कॉस और यहां साइन थीटा बराबर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब ये दोनों आपको याद रखना है कि इस ग्रुप में एक साइन किसके साथ था, कोसेक के साथ, लेकिन इस ग्रुप में साइन किसके साथ था, कॉस के साथ। यही याद रखना है, साइन दो बार रिलेशन में है, दो बार रिश्ता में है साइन, साइन एक बार कोसेक के साथ है और एक बार साइन किसके साथ है, कॉस के साथ है। वैसे ही अगर यहां से अगर कॉस पूछा जाएगा तो कॉस एक बार किसके साथ है, सेक से रिश्ता जोड़ा है ना, वैसे ही यहां पे क्या हो जाएगा, कॉस एक बार किसके साथ है, साइन से। तो जब भी कॉस का फॉर्मूला का कोई भी आंसर है, कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें कॉस दिया रहेगा, तो आंसर में या तो सेक दे सकता है और नहीं तो कौन दे सकता है, साइन, क्योंकि देखा जाता है इसमें कि कौन किसके साथ रिश्ता बना रहा है, ठीक है। अब इस हिसाब से हम अगर यहां पे आपसे पूछे कॉस थीटा बराबर क्या होगा, डायरेक्ट कॉस थीटा, तो सिर्फ कॉस थीटा पूछे हैं ये वाले, स्क्वायर भी नहीं पूछे हैं, तो इसको यहीं पे रोक दो, इसको यहीं पे रोक दो, प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर भी जाएगा बराबर के उधर तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा।
हुआ कि नहीं, वैसे ही ये भी है। अगर आपसे पूछ दे सेक स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा, सेक पूरा पूछे हैं ये वाला तो ये माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन सिर्फ पूछ दे सेक थीटा बराबर क्या होगा, सिर्फ सेक थीटा तो स्क्वायर को भी भेज देंगे, यानी स्क्वायर जाता है तो रूट हो जाता है, वन प्लस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, यही हो जाएगा। अब एक और चीज़ याद रखना है, यहाँ पे दो ग्रुप चल रहा है, कितना ग्रुप, एक ग्रुप ये और एक ग्रुप ये, यही दो ग्रुप है, इसको कहते हैं मल्टीपल ग्रुप और इसको कहते हैं स्क्वायर ग्रुप, ठीक। हर शब्द इसमें दो आदमी से जुड़ा हुआ है, यानी हर रिश्ता दो रिश्ता यहाँ पे बना रहा है। साइन का रिश्ता किसके साथ है, कॉसेक के साथ भी है, लेकिन साइन का रिश्ता एक बार किसके साथ है, कॉस के, ये दोनों एक बार साथ में है, एक बार ये दोनों। देखिए टेन का रिश्ता किसके साथ, कॉट के साथ, इसमें टेन का रिश्ता किसके साथ, सेक के साथ। जब भी टेन दिमाग जैसे पूछे कि टेन लाना है, ओ तो उस ग्रुप में जाना है, अच्छा उसमें टेन टी वाला के साथ है, कॉट के साथ, और इसमें तो सर बताए थे मामला को सेट कर दो, आंख बंद करो और ऐसे ही सोचो कि टेन किसके किसके साथ था, इस ग्रुप में पहले जाना तो टी वाला टी के साथ था, अच्छा कॉट के साथ था, ऐसे सोचना है। और इसमें सर बताए थे मामला को सेट कर दो, तो टेन था तो सेक होगा ना, तो इसमें सेक किसके साथ, टेन किसके साथ है, सेक के साथ है, समझ में आए। उसी तरह यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे सेक का, तो ये तो हो गया आपका, कॉस किसके साथ, कौशिक किसके साथ, कौशिक, कौशिक था साइन के साथ, और इसमें कौशिक किसके साथ है, कॉट के साथ है। तो दोनों ग्रुप आपको याद होना चाहिए, ये वाला ट्रिक आपको समझ में आया होगा। साइन कॉस टेन, कौशिक से कॉट था, तीनों को उठा के ऊपर रख दिए, बीच में लगा दिए गुणा, तो वन आ गया। और ये वाला था जिसमें मामला को सेट कर देना था, और फिर देखे किसमें सेक है तो कौशिक में सेक था, फिर देखे किसमें टेन है टी है तो कॉट में था, तो वही चीज इसका लिख दिए और माइनस लगा दिए भी वन, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार और जब एक्सरसाइज 8.4 मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक बात बता दे 8 लेसन और 9 लेसन मैथमेटिक्स का प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 8 और 9 पढ़ लेते हो तो 40 नंबर, 35 से 40 नंबर मात्र दो गो लेसन से रहता है। तो बाबू इसको यहां उतारना है, यहां लगना चाहिए आपको ये वाला पूरा का पूरा फॉर्मूला, तब जाकर के आप बोलेगा जैसे ही आपसे, अच्छा चलिए आपसे हम कमेंट में जरूर लिखेगा, डायरेक्ट पूछे कि कौशिक किसके किसके साथ है, तो कौशिक एक बार देखिए किसके साथ है, कॉट स्क्वायर के साथ है, और एक बार इसमें जाना है कौशिक किसके साथ है, तो ऊपरे था वहां पे साइन के साथ था, किसके साथ था, साइन के साथ। इधर पूछे सेक किसके साथ है, तो टेन के साथ है, इधर सेक किसके साथ है, कॉस के साथ है, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए पूरा का पूरा फॉर्मूला यहां उतर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत ही शानदार तरीका से समझ में आया होगा, और समझ में आया ना था एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में, प्यारे प्यारे दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा बाबू, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए भी, आपके लिए भी, और किसी के लिए भी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइज को लेकर के आएंगे, बहुत शानदार एक्सरसाइज अब बनाएंगे आपसे, अब डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, आप देखिएगा सॉल्व कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।